हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सिक्स पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर और द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इंटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इंटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, आइस चेंज इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दैट चेंज इनटू लिक्विड इन फॉर्म ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं किसका कितना होता है। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आयरन की। इतना जब टेम्परेचर हम देंगे आयरन को, तब वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने लगता है। नॉर्मल नहीं है आयरन को चेंज करना। आयरन को लिक्विड फॉर्म चेंज करने के लिए 1535 डिग्री सेंटीग्रेड और 1535 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम चेंज करेंगे, तब वो किस में चेंज होगा? लिक्विड में। और यही है इसका मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल मतलब यही है कि जब कोई सब्सटेंस और सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, जिस टेम्परेचर से होना स्टार्ट होता है, उसी को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द पॉइंट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इंटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग डेफिनेशन। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इंटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसपे हम कोई भी लिक्विड को गैस में चेंज कर दें, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉइल। जैसा कि हम जानते हैं, जो वाटर होता है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में चेंज हो जाता है? गैस में। किस में चेंज होता है? गैस में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो मरकरी होता है, ये
357 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस में चेंज होता है। जो अल्कोहल होता है अल्कोहल होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस में चेंज होता है। तो जो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 357 मरकरी का, 78 डिग्री सेंटीग्रेड अल्कोहल का, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अंडरस्टैंड, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इंटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड सॉरी लिक्विड गैस में चेंज हो जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस और वेपर इंटू लिक्विड बाय कूलिंग। बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऐसा प्रोसेस लिक्विड ऐसा प्रोसेस गैस और वेपर का जिसे हम लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर दे उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ अ चेंज ऑफ गैस और वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब हम गैस या वेपर को लेते हैं किसी पॉट में लेने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको कूल करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही कूल करना स्टार्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि आप वाटर लेते हो, एक बॉटल में वाटर रखते हो फिर उसके बाद फ्रिज में डाल देते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉरी, कंडेंसेशन के लिए आप गैस ले लो, गैस ले लो, लेने के बाद आप उसको बॉटल में फिलअप करने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो। कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो टोटल लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रीजिंग। द प्रोसेस of change of liquid into solid is called freezing. And the point at which liquid change into solid is called freezing पॉइंट। अंडरस्टैंड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दे उसे फ्रीजिंग कहेंगे। और ऐसा जो पॉइंट जिस पे लिक्विड चेंज हो जाए सॉलिड पे उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया? मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दे उसे हम ऐसा पॉइंट जिस पे हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दे सॉरी सॉलिड
ऐसा पॉइंट जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दे उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर। जो कंडेंसेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट होता है। सेशन बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्सिबल होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट ये फ्रीजिंग पॉइंट का रिवर्सिबल होता है। अंडरस्टैंड। थैंक यू।